अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा, जो हम सबका बहुत ही फेवरेट है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया 1 किलो गाजर, जिसको कद्दूकस कर लिया, और 250 ग्राम देसी घी, 200 ग्राम शक्कर और 1 लीटर दूध, इसको मैंने गाढ़ा कर लिया, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। पैन में घी डाल देते हैं, आधा घी हम अभी डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे। इसमें छोटी इलायची डाल देते हैं, हम इसमें गाजर डाल देते हैं। फुल आंच करके गाजर को पहले हम अच्छे से भून लेंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर हमेशा लाल लेनी चाहिए, ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी, क्योंकि छोटा गाजर अगर आप लेंगे तो उसमें पानी बहुत होता है, इसलिए गाजर हमेशा बीच की साइज़ की लेनी चाहिए। गाजर में अब हम ये दूध डाल देते हैं। फ्लेम फुल करके इसको थोड़ी देर तक पका लेंगे, 3 से 4 मिनट तक। गाजर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब फ्लेम हम धीमी करके इस पर ये लीड लगा देंगे और थोड़ा सा ये खुला रखेंगे ताकि ओवरफ्लो ना हो। 250 ग्राम मैंने खोया लिया है, खोया मैं दिखाना भूल गई थी। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी ताकि ये हलवे में बराबर से स्प्रेड हो जाए, वरना इस खोए की गाठी गाठी सी हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती। गाजर को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन हटा के इसको चला लेते हैं, कहीं तली में लग ना जाए। लीड लगा के इसको 10 मिनट और पकाएंगे। जब तक गाजर पक रहा है, हम ये खोया और ड्राई फ्रूट हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दो से तीन मिनट तक इसको हल्की आंच पर इसको रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट को हम निकाल लेते हैं। खोया हमने ग्रेट कर लिया है, देखिए अब इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। खोया हमारा भून चुका है, अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। गाजर को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको फुल आंच करके पका लेंगे ताकि ये जो दूध दूध जैसा दिख रहा है वो सूख जाए। इनको थोड़ा हम ये मैश कर लेते हैं ताकि गाजर अच्छे से मिक्स हो जाए, और फुल आंच करके इसको पकाएंगे। वैसे तो गाजर का हलवा बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका मेन काम जो है ये है भूनना। अगर गाजर भुनेगा नहीं अच्छे से तो इसका इतना परफेक्ट हलवा नहीं बनेगा, इसलिए इसको फुल आंच करके अच्छे से भून लेंगे। फुल फ्लेम पे पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये शक्कर ऐड करके फुल आंच पर पकाएंगे इसको। मैश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। गाजर पकते हुए 10 मिनट हो चुका है फुल फ्लेम पर,
अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। गाजर हमारा भून चुका है, अब इसमें खोया और ड्राई फ्रूट मिला देते हैं। खोया थोड़ा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। खोया डाल के थोड़ी देर हम इसको और भून लेंगे, तब अच्छे से मिक्स हो जाए। गाजर हमारा भून चुका है, देखिए गाजर को इस स्टेज तक भूनना है कि वो बिल्कुल कसा कसा से लगने लगे। देखिए अब ये परफेक्ट भून चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बाकी बचे हुए घी को हम पैन में डाल के एक इलायची डाल के उसको बखार लेते हैं। घी को हम हलवे में ऊपर से डाल देते हैं। गाजर के हलवे में घी हमेशा ज़्यादा पड़ता है, इससे हलवे में चमक भी आती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देते हैं। डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट हलवा बना है हमारा, बिल्कुल शादियों जैसा। अगर आप मेरे तरीक़ों को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका हलवा भी ऐसा ही परफेक्ट बनेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका हलवा कैसा बना। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।